हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सफर विद इमरान। मेरे चैनल पे कई कमेंट्स आए कि रॉनिन जो है वो काफी ओवर हीटिंग इशू दे रही है। ओवर हीटिंग इशू जो है ये मोस्ट ऑफ दी जो रॉनिन के ओनर्स है उनको ये दिक्कत आ रही है, तो आज का टॉपिक इसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो अभी फटाफट वीडियो को शुरू करते हैं। वी आर द पार्ट ऑफ 200 सब्सक्राइबर गाइज, थैंक यू गाइज फॉर सपोर्टिंग मी। एंड फेसबुक पे एक पेज भी बनाया हुआ है सफर विद इमरान, तो गाइज लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो प्लीज स्टार्ट फॉलोइंग मी। आई वांट दिस कम्युनिटी टू ग्रो ओके विद मी, सो दैट आई कैन बी विद यू गाइस। और वेरी सून सिंस वी आर नाउ बिगर फैमिली, सो वेरी सून वी आर गोइंग टू प्लान राइड फॉर ओनली टू रॉनिन राइडर्स। सबसे पहले हमको ये जानना पड़ेगा कि हीटिंग और ओवर हीटिंग इशू में क्या डिफरेंस है, क्योंकि बाज औकात ऐसा देखा गया है कि लोग हीटिंग इशू को भी जो है वो ओवर हीटिंग इशू बनाते। तो हीटिंग इशू बहुत नेचुरल है, नॉर्मल है, क्योंकि इंजन को स्टार्ट करते हो और जब इंजन ऑयल जब गर्म हो जाता है, ठीक है, तभी तो हीट होने की वजह से एनर्जी प्रोड्यूस होती है। इंजन जो है वो गर्म जरूर होगा, आप जब इंजन को हाथ लगाओगे तो आपको जरूर ऐसे चटके लगेंगे। इंजन को जो है वो हीटिंग और ओवर हीटिंग इश्यू को दोनों को डिफ्रेंशिएट करने आना चाहिए। हीटिंग एंड ओवर हीटिंग इश्यू जो है वो हीटिंग इश्यू कोई दिक्कत नहीं है, ओवर हीटिंग इश्यू है। अब उसके इम्पैक्ट क्या है ये बहुत जरूरी है जानना। तो सबसे पहले आपकी बाइक अंडर परफॉर्म होना शुरू हो जाएगी, परफॉर्मेंस डाउन हो जाएगी, नॉइस करना शुरू करेगी, नॉकिंग साउंड आना शुरू हो जाएगी। तीसरी चीज, आप इंजन की साइड से भाप आना शुरू हो जाएगी, जिसमें से जलने जैसी बदबू भी आना शुरू हो जाएगी। लास्ट केस में आपका इंजन सीज भी हो सकता है, क्योंकि इंजन ऑयल जो है वो बॉइलिंग पॉइंट तक चला जाता है, ऐसे पॉइंट तक चला जाता है, ऐसे टेम्परेचर तक चला जाता है जिसकी वजह से इंजन के अंदर मेटल्स होते हैं और पिस्टन के अंदर भी मेटल्स होते हैं, वो बेसिकली हीट अप होके खराब होना शुरू हो जाते हैं, जिसके वजह से आपको वो बदबू आना शुरू हो जाती है। पिस्टन के अंदर जो रिंग्स होती है वो बेसिकली आपके इंजन सिलेंडर वॉल को जो है वो वेल्ड कर देता है, मतलब वो इतने हीट अप हो जाते हैं, इतने हीट अप हो जाते हैं कि उसकी वजह से ऑटोमेटिकली वेल्ड हो जाते हैं, और जिसके वजह से आप बैड केस में आपका इंजन सीज हो जाएगा। तो ये है उसके इम्पैक्ट। अभी मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे उसको आइडेंटिफाई करोगे कि आपका ओवर हीटिंग है नहीं है, ठीक है। तो बहुत सिंपल है, फर्स्ट थिंग जब आपको ओवर हीटिंग इश्यू आता है तो बेसिकली आपको इंडिकेशन यहाँ पर आना चाहिए, जो मुझे अभी तक आया नहीं है। सेकेंडली, आपको जो आपका मोबाइल का TVS कनेक्ट ऐप है जिसने टॉप मॉडल लिया है, उनको वहां पर टेम्परेचर भी दिखेगा, प्लस एक अलार्म भी आता है, वो अलार्म से भी आपको आइडेंटिफाई हो सकता है। आप लोग कमेंट करके बताइए, जिसको भी प्रॉब्लम आ रहा है कि आपको TVS कनेक्ट ऐप द्वारा अलार्म आ रहा है, या आपको टेम्परेचर दिख रहा है उससे आप अंदाजा कर रहे हो, या फिर आपको इस इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में दिख रहा है। ऑयल जो है वो इतना हीटअप हो जाता है, बलना शुरू हो जाता है, जिसके वजह से फर्स्ट भाप आना शुरू हो जाएगी, और खाली भाप नहीं आएगी, भाप आना नॉर्मल है, लेकिन भाप के साथ अगर जलने जैसी बदबू आ जाए तो ये एक सिम्टम है। दूसरी बात, आपकी पावर में ड्रॉप हो जाएगी, आपका पिकअप जो है वो बिल्कुल कम हो जाएगा, इंजन जो है वो नॉकिंग साउंड करना भी शुरू होएगा, इससे आपको पता चल जाएगा कि आपका इंजन जो है वो ओवरहीट हो रहा है। तो अब आपको पता चल गया है कि बाइक में जो है ना वो ओवरहीटिंग इशू है। ऑल्दो मुझे ये प्रॉब्लम नहीं आ रहा है, काफी लोग को दिक्कत हो रही है, तो मैंने सोचा कि यार ये वीडियो बनाना बहुत जरूरी है। अगर आपको लॉक पसंद आया होगा तो प्लीज डू लाइक द वीडियो। जैसे ही आप लाइक देते हो और आप कॉमेंट करते हो तो मुझे एक मोटिवेशन आता है, और मैं इस तरीके का जो है कॉन्टेंट आपके लिए क्रिएट करता हूँ। अब बात करते हैं कि हम इसको कैसे रोक सकते हैं। जैसे ही आप इंजन स्टार्ट करते हो, पहले जो पुरानी बाइक्स आती थी उसमें चोक आता था, अपना इंजन ठंडा होता था, तो हम लोग क्या करते थे, यहाँ पे ऐसा चोक का बटन होता था। मेरे पास यूनिकॉर्न थी तो मुझे याद है, मैं यहाँ से चोक जो है वो स्टार्ट करता था। चोक हम इसलिए चालू करते ताकि इंजन जो है वो वार्म अप हो जाए। इस रॉनिन के अंदर ये ऑटो है, क्योंकि ये फ्यूल इंजेक्टर वाली बाइक है, ठीक है। तो आप जब सेल्फ लोगे, तो मैं अभी सेल्फ दूंगा, देखिए ये ऑटो जो है, देखिए 2 RPM के ऊपर चला जाता है। ये तो अभी मैं चला के लाया हूँ, तो ज्यादा ऊपर नहीं गया। जब मैं अर्ली मॉर्निंग स्टार्ट करूंगा ना गाइस, तो ये बहुत ऊपर चला जाएगा। इसको वक्त लगता है 2 के नीचे आने के लिए, 2.5 तक आने के लिए इसको वक्त लगता है। इस प्रोसेस को वार्म अप प्रोसेस बोलते हैं। आप जो है जब तक ये वार्म अप नहीं हुए आपका इंजन, तब तक आप बाइक को आगे नहीं चलाइए। यू हैव टू गिव सम टाइम। देखिए ऐसे से नीचे आ रहा है, मोस्ट आ चुका है, क्योंकि ये ऑलरेडी इंजन थोड़ा सा गर्म था, तो इसको ज्यादा टाइम नहीं लगा। बेसिकली क्या है कि सेंसर जो है वो टेम्परेचर को डिटेक्ट कर लेते हैं कौन से टेम्परेचर पे, और बेस्ड ऑन दैट फिर वो जो है वो नॉर्मल हो जाता है। आपने अगर अर्ली मॉर्निंग बाइक स्टार्ट की है तो ये RPM आपका जो है वो 250 के करीब ऑटो चला जाएगा। तो प्लीज जब ऐसा जाता है तो आप
जो है बाइक को रेव करके मत जाइए, आप वेट कीजिए, इंजन को गर्म होने दीजिए, वार्म अप होने दीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक दिन मैंने घाई घाई में, और मैं जल्दी में था, उस दिन मुझे जल्दी जाना था और मैंने इंजन को वार्म अप नहीं किया, उस दिन मुझे भाप बहुत ज्यादा इस इंजन से आ रही थी, मैं महसूस कर रहा था, उसकी वजह यही थी कि उस दिन मैंने वार्म अप नहीं किया था। सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा तीन प्रकार के इंजन होते हैं, पहला होता है एयर कूल्ड इंजन और दूसरा होता है ऑयल कूल्ड इंजन और तीसरा होता है लिक्विड कूल्ड इंजन। ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, अपने को इंजीनियरिंग नहीं सीखना है यहाँ पे। एयर कूल इंजन सिंपल है, जो फिन्स होते हैं इंजन के ऊपर उसके अंदर से एयर पास होती है और वो इंजन को कूल करता है। ऑयल कूल्ड इंजन, जो ऑयल रहता है इंजन के अंदर जो जाता है, वो बेसिकली ऑयल फ्लो होता है, एक छोटा सा रेडियर पेयर लगता है, आपने रॉनिंग के सामने देखा होगा, लगा होगा, उसके अंदर से पास होता है और उसके अंदर फिन्स होते हैं, तो उसके अंदर एयर जाती है और जो गर्म ऑयल है आपका इंजन के अंदर वो पास होता है, जब वो पास होता है तो हवा लगती है और वो ठंडा होता है, वापस इंजन में जाता है, इसे रोटेट होते रहता है। तीसरा जो है वो लिक्विड कूल इंजन। लिक्विड कूल इंजन थोड़ा कॉम्प्लेक्स भी है और उसका मेंटेनेंस भी ज़्यादा है, उसका कॉस्ट भी ज़्यादा है, और इसीलिए जिन बाइक्स के अंदर लिक्विड कूल इंजन लगता है उसकी बाइक की कॉस्ट भी ज़्यादा होती है, उसका मेंटेनेंस भी ज़्यादा होता है, क्योंकि बेसिकली अलग से एक फोर व्हीलर की तरह, कार की तरह जैसे कूलेंट यूज़ होता है, उसके अंदर रेडिएटर बना हुआ होता है और वो कूलेंट जो है वो बेसिकली इंजन को कूल करता है। तो अपना जो रॉनिन का जो इंजन है गाइस, वो है ऑयल कूल इंजन। हम जब इंजन ऑयल चेंज करता है, इंजन ऑयल है वो गर्म हो जाता है, मैंने बताया हीटअप होता है, और हीटअप होने के बाद मेटल्स जो है वो खराब होने के चांसेस रहते हैं, उसके कुछ मेटल्स पार्टिकल्स भी गिर जाते हैं चेंबर की तरफ। मैं आप लोगों को जो भी बता रहा हूँ ना, ये मेरा ओपिनियन बता रहा हूँ और मैं जो कर रहा हूँ वो बता रहा हूँ। तो एक तो मैंने बताया वार्म अप करना है इंजन का, ठीक है, वो उससे आपका मेजरली प्रॉब्लम रिजॉल्व होगा, आपका इंजन जो है वो ज्यादा वो पॉइंट पे बॉइल नहीं हो पाएगा, वो टेम्परेचर पे नहीं बॉइल हो पाएगा, ठीक है। सेकेंडली, जब आप इंजन ऑयल चेंज करते हो, इंजन फ्लश का इस्तेमाल करें, कार्बन क्रिएट होता है, ठीक है, या फिर कुछ मेटल जमा हो जाता है, वो साफ करके और आप फ्रेश ऑयल डालते हो, तो पहले से इंजन जो है ऑयल वो खराब हो जाता है, ठीक है। तो आप अगर इंजन फ्लश यूज करोगे तो डेफिनेटली आपको इसका जरूर फायदा होगा, उससे आपका परफॉर्मेंस इम्प्रूव होता है, इंजन जो हीटअप होना है वो टेम्परेचर पे ज्यादा नहीं होगा, अगर हो भी गया तो उसके अंदर अगर कोई पार्टिकल्स वैसे रहेंगे या फिर कुछ कार्बन जमा रहेगा वो सब क्लीन हो जाएगा, ऑयल ड्रेन होता है बेसिकली जो प्रोसेस होता है उसमें, और थोड़ा अच्छे से ड्रेन कर लेगा। थर्डली गाइस, अंडरस्टैंड कि TVS ने जो ये इंजन बनाया है, भले से ये 225cc का इंजन है, ठीक है, इट इज सिमिलर टू अपाची इंजन, लेकिन स्टिल आई वुड से कि इसको हाई रेप मत करो, बिकॉज इसके अंदर इंजन को जो है वो TVS ने ट्विक किया, ये इंजन इज नॉट डिजाइन फॉर रेसिंग। तो कुछ लोग हाई RPM पे पहले गियर में, सेकेंड गियर में, थर्ड गियर में, फोर्थ गियर में, हर गियर में हाई RPM भगा रहे जैसे कि रेसिंग में, तो वैसा रेप मत करो इंजन को, बिकॉज आप अननेसेसरी अब्यूज कर रहे हो आपके इंजन को। दिस बाइक इज फॉर डेली कम्यूटिंग एंड इज फॉर क्रूजिंग कम्फर्टेबल, प्लेटफॉर्म थोड़ा बहुत ऑफ रोड आप करोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। फोर्थ चीज गाइज, आई वुड से कि क्रूज करो तो थोड़ा ब्रेक, मतलब यार मैं समझता हूँ 150-200 किलोमीटर पे वैसे भी तुमको ब्रेक करने की जरूरत आ ही जाएगी, वैसे ये कितनी भी कंफर्टेबल बाइक है फिर भी आप थोड़ा सा अपराइट के लिए, थोड़ा सा बैक के लिए रेस्ट लेने के लिए, थोड़ा सा 150-200 किलोमीटर पे रेस्ट लेना ही पड़ेगा, राइट। तो इंजन को कूल डाउन होने दे दो, वन शॉट में कोई लंबा राइड मत मारो कि आप 300 किलोमीटर चला रहे वन स्ट्रेच पे, है ना, 200-250 किलोमीटर आप चला रहे वन स्ट्रेच पे, नहीं यार, कम से कम 150 किलोमीटर का ब्रैकेट रखो। तो लेट्स से अगर आप 15-20 मिनट के लिए कूल डाउन का भी दे रहे हो और आप ब्रेक ले रहे हो, अपनी बॉडी को भी ब्रेक दे रहे हो, ठीक है, कि वो इंजन को भी रिलीफ मिल जाएगा, आपको भी मिल जाएगा, राइट, फ्रेशन अप हो जाओ आप, अपनी बॉडी को भी रिलैक्स करो, स्ट्रेच करो, चाय कॉफी बेवरेजेस को जो भी लेना है वो पियो, ठीक है, आप भी फ्रेश हो जाओगे और रनिन को हाई स्पीड पे मत, भले से वो बाइक 120-130 जाती रहेंगी, यूट्यूब में काफी लोगों ने जो है वो टॉप स्पीड डाला हुआ है, बट इसका जो स्वीट स्पॉट जो मुझे लग रहा है गाइस वो 80-100, इनफैक्ट मैं समझता हूँ 80-90 रहेगा तो और अच्छा है, आपको चलाने में भी मजा आएगा यार, क्रूज करने मजा आना चाहिए, राइट, खाली आप रैप कर रहे हो और फिर वो अनकंफर्टेबल लग रहा है आपको तो मजा नहीं है, राइट। तो 80-100 इज द मैक्स, मतलब आप 100 कभी कभार जा सकते हो, बट 80-90 इज द बेस्ट स्वीट स्पॉट आई फील यू कैन क्रूज, की स्पीड में चलो आपका इंजन मक्खन चलेगा। एनीवेज गाइस, इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड शेयर अमंग द राइडर्स, ठीक है, स्पेशली रॉनिन के राइडर्स।
राइडर्स को ये शेयर कर दीजिए. मे बी दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल द वे आई एम मेंटेनिंग द बाइक. एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन इफ यू नीड एनीथिंग हेल्प्स अबाउट माय एक्सपीरियंस इन टर्म्स ऑफ रनिंग 225. डेफिनेटली आई रिप्लाई एवरी मैसेज. यू कैन कनेक्ट मी ऑन इंस्टाग्राम एनी टाइम. सो यहाँ पर हैंडल दिख जाएगा. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन सी यू. गुड बाय. बाय.